सिरमौर जिले की दूरदराज आंजभोज क्षेत्र के एक युवक ने स्टार्टअप इंडिया के तहत एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो इस क्षेत्र की नहीं बल्कि समूचे हिमाचल में प्रेरणा का विषय बन गया है। 18 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान ने उद्योगपतियों और स्क्रैप डीलर्स के बीच सेतु का काम करने वाला ऐप लॉन्च किया है। स्क्रेविड नामक ऐप से उद्योगों और स्क्रैप डीलर्स को जोड़ा जाएगा, जिससे उद्योगों को स्क्रैप बेचने में और डीलर को स्क्रैप खरीदने में सुविधा मिलेगी। प्रफुल्ल चौहान ने उद्योगपतियों को इस ऐप की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी दी। प्रफुल्ल ने बताया कि उद्योगपति इस ऐप से जुड़कर उनके पास मौजूद स्क्रैप की जानकारी और रेट ऐप में डालेंगे, जिससे स्क्रैप डीलर ऐप के माध्यम से स्क्रैप बेचने वाले उद्योगों से संपर्क कर पाएंगे। कुल मिलाकर ऐप स्क्रैप सेलर और स्क्रैप बायर्स के बीच में सेतु का काम करेगा। आज स्क्रैबिट का बीटा वर्जन यानी ट्रायल वर्जन यहाँ पे आज लॉन्च किया गया है। स्क्रैबिट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे बायर और सेलर आपस में स्क्रैप कारोबार कर सकते हैं, और ये दोनों के लिए लाभदायक इस तरह रहेगा क्योंकि इसमें ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम द्वारा डील्स मैच्योर होती हैं, तो जो दोनों को बेस्ट रेट इसमें मिलने की पूरी गुंजाइश रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्रैप सेक्टर काफी विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें तमाम तरह की दिक्कतें भी हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि स्क्रैबिट इन सभी दिक्कतों को सुलझाने में एक अहम रोल प्ले करेगा। और आज इसका यहाँ बीटा वर्जन लॉन्च किया, और जल्दी सीएम साहब इसका ओरिजिनल वर्जन, फुल फ्लेज वर्जन इसका लॉन्च करेंगे। एंड हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितना भी स्क्रैप कारोबार देश प्रदेश में हो रहा है वो सारा कारोबार इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, ताकि इस सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज किया जा सके, इस सेक्टर को और बेहतर ऑर्गेनाइज किया जा सके। धन्यवाद। उद्योगपति अरुण गोयल ने बताया कि पौंटा साहिबी औद्योगिक क्षेत्र के अग्रणी उद्योगपतियों ने इस ऐप को बेहद कारगर बताया है। उद्योगपतियों का कहना है कि उद्योगों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार का स्क्रैप उद्योगों के लिए सिरदर्द बना रहता है और ऐप को बेचने में काफी सिरदर्दी उठानी पड़ती है, लेकिन इस ऐप के माध्यम से कंपनी सीधे खरीदार से जुड़ेगी, जिससे कंपनी को भी लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है। पास किसी भी स्क्रैप को बेचने के लिए बहुत लिमिटेड बायर्स अवेलेबल हैं, तो किसी भी इंडस्ट्री को कोई स्क्रैप बेचना होता है वो उन्हीं 400 लोगों से हम लोग रेट लेते हैं और उनको ही फाइनल कर देते हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि अगर हमारा जो बायर है वो ज़्यादा बड़े एरिए से हो तो हमको अच्छा रेट मिल सकता है। तो ये जो स्क्रैबिट ऐप बनाई गई है, मुझे लगता है कि अगर ये अपने पूरे रूप में और त्रुटिहीन होकर कोई काम पूरे तरीके से करेगी तो इससे सेलर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है, पर सेलर्स को बेनिफिट तभी होगा जब बायर्स को भी बेनिफिट होगा। और मैं समझता हूँ ये कई नए लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी बन सकती है। जो लोग नया कार्य करने की सोच रहे हैं वो स्क्रैप बिड के माध्यम से शुरू में स्क्रैप खरीद के बाहर बेचने का कार्य करने का सोच सकते हैं, तो ये एक विन विन सिचुएशन बनेगी जिसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। और लोगों के आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट young entrepreneur of age of 18 only has brought something with his thought process, with his hard work, a kind of an app which is the necessity of the day for industry. So my take on it, this is that we should encourage such startups, particularly with the young entrepreneurs coming in, and this is something will help on the planning for the industry. With that transparency, I think we should all be looking into it, that how to support such kind of ventures so that more and more ventures come in. Thank you. Thank you.